गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है आज। प्रोजेक्टाइल मोशन किसके अंदर आता है? वो आता है टू डायमेंशनल मोशन में। टू डायमेंशन मोशन में हमने एक टॉपिक और आता है वेक्टर। वेक्टर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और उसके क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन दो जगह पर हम देखेंगे, एक ऑब्लिक प्रोजेक्शन और एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टाइल होता क्या है? अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एक्सटर्नल फोर्स से थ्रो कर दें, एक बार उसको फोर्स लगा के हम छोड़ दें और उसके बाद फिर वो ऑब्जेक्ट खुद अपने इनर्शिया की वजह से अगर मूव करता है, उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं उसको? प्रोजेक्टाइल। द ऑब्जेक्ट थ्रोन विद एक्सटर्नल फोर्स एंड इफ इट मूव्स विद His own inertia is known as projectile। जैसे फुटबॉल को अगर कोई प्लेयर किक करता है तो जिस टाइम उसने किक किया उस टाइम उसने क्या लगाया? फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स लग गया, लेकिन फोर्स सिर्फ एक ही बार लगा जब उसने उसको किक किया। किक करने के बाद बॉल और जो फुटबॉल का प्लेयर है उसके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। अब जो बॉल मूव करेगी, मतलब फुटबॉल मूव करेगी, वो फुटबॉल अपने इनर्शिया की वजह से मूव करेगी। इसलिए उसमें हम जो आगे फोर्स का कंसिडरेशन करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि कोई और एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रहा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं प्रोजेक्टाइल क्या है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमने थ्रो किया, द ऑब्जेक्ट thrown by an external force and further it move with the help of its own inertia, उसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। ठीक है, प्रोजेक्टाइल में क्या होगा? दो तरह का मोशन एक साथ होगा। कौन कौन सा? एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है, अभी हम यहां पे जो प्रोजेक्टाइल मोशन देख रहे हैं वो है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। वो कुछ इस तरीके का होगा, अगर ये y है और ये x है, हमने यहाँ किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी देके और थीटा एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? थीटा, उसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया। अब इस प्रोजेक्शन में क्या होगा? दो वेलोसिटी, इसके दो कंपोनेंट हो गए। इधर कंपोनेंट होगा u cos थीटा और इधर कंपोनेंट होगा u साइन थीटा। ठीक है, तो अब दो मोशन होंगे। इधर जो होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल मोशन और इधर जो होगा वो होगा वर्टिकल मोशन। ठीक है, अच्छा, ये आगे बढ़ेगा, साथ में ये ऊपर भी जाएगा और फिर एक पॉइंट पे मैक्सिमम होने के बाद ये नीचे चला जाएगा। ठीक, ऐसे, तो ये इस तरीके से मूव करेगा। तो इसमें दोनों मोशन है, तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन। देखो, इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वहां पे हमने सिर्फ एक डायमेंशन का मोशन कंसीडर किया था, या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। अब हम एक ही टाइम पे दोनों को एक साथ देख रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या नाम दे रहे हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन।
जो कि कॉम्बिनेशन है हॉरिजॉन्टल का और वर्टिकल का। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो माइनस जी है। जी का मतलब है कि डाउनवर्ड जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि अगर हॉरिजॉन्टल होता तो इक्वेशन क्या होती और वर्टिकल होता तो इक्वेशन क्या होती। देखो हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन हमें पता है वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एक्स एस एक्स, ठीक है। तो ये क्या था हॉरिजॉन्टल के लिए जो इक्वेशन हम इस्तेमाल करते थे। इसी तरह वी वाई इज इक्वल टू क्या होगा यू वाई प्लस ए वाई टी, एस वाई इज इक्वल टू होगा यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी, और बी बाई स्क्वायर यू बाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए बाई एस बाई, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन हमें एक साथ लगानी है और इसमें हमें कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगी, इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, इसकी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या होगी, तो ये सब हमें पता करना है, ठीक है। तो एक एक करके हम इन सब चीज़ों को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो पहले आपको ये समझ में आ गया कि प्रोजेक्टाइल क्या है। प्रोजेक्टाइल एक इस तरीके का होता है, एक और होगा, ठीक है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, इसे हम ऑब्लिक प्रोजेक्शन कहते हैं, दूसरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ से लेके जैसे ही ये ऊपर उठा, यहाँ से लेके यहाँ तक जब इसने वापस ग्राउंड को टच किया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी टाइम लगता है, मतलब जितनी देर ये हवा में रहता है उसे हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमें ये निकालना है कि कितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक लगेगा, तो दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, टी से। अब देखो हमने वर्टिकल में ये पढ़ा था कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है ऑब्जेक्ट को उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वर्टिकल मोशन को कंसीडर करें तो वर्टिकल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन माइनस जी, और यहां जब पहुंचेगा, देखो ऊपर जाता जाएगा, कब ऊपर जाना बंद होगा, जब इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, जीरो। तो वी वाई अगर जीरो हो जाएगा तब ये वहां जाके रुक जाएगा। तो वी वाई जीरो होने तक जितना टाइम लगेगा वो हम कैलकुलेट कर लें, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, दिस, ठीक है। तो हम यूज करेंगे वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इन टू टी, वी वाई हो गया जीरो, यू वाई की वैल्यू है u साइन थीटा, ए वाई की वैल्यू माइनस जी इन टू टी, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आई, ये आई u साइन थीटा बाई जी। लेकिन हमने ये कहा था कि जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम आने में लगेगा, तो टोटल टाइम, टाइम ऑफ असेंड इज इक्वल टू टाइम ऑफ क्या बोलते हैं, डिसेंड, ठीक है, ऊपर जाने का टाइम इज इक्वल टू नीचे आने का टाइम, ठीक है। तो टोटल टाइम क्या होगा, डबल, तो टोटल टाइम हो जाएगा 2t, तो t की वैल्यू आ जाएगी 2u साइन थीटा बाई जी। दिस इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको क्या कहते हैं हम, टाइम ऑफ फ्लाइट। नोट करिए एक बार, फिर जो रिमेनिंग डेरिवेशंस हैं वो भी हम सॉल्व करते हैं। हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आया टी इज इक्वल टू टू यू
साइन थीटा बाई जी, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट जो हमें निकालना है वो है हॉरिजॉन्टल रेंज, देखो रेंज क्या है सबसे पहले वो समझ लो। यहां जिस पॉइंट से इसको प्रोजेक्ट किया गया उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे जहां वापस स्ट्राइक करेगा तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है हॉरिजॉन्टल, इसी को हम क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल रेंज। और इसको जो हम डिनोट करते हैं तो वो करते हैं हम आर से डिनोट। तो आर कैसे निकालेंगे? अब देखो तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है यहां से यहां तक का, हमें क्या पता है टाइम कितना है 2u साइन थीटा बाई जी, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्पीड है वो कितनी है वो है यू एक्स, सो दैट इज यू कॉस थीटा। हमें टाइम पता है स्पीड पता है तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें। तो हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज पता चल जाएगी। वो क्या होगी? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज हाउ मच? यू कॉस थीटा। टाइम कितना है 2u साइन थीटा बाई जी। अब देखो u इंटू यू तो ये हो जाएगा u स्क्वायर, ये बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं अलग से, साइन 2a होता है 2 साइन ए कॉस ए, तो इसीलिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक फॉर्मूला। सो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। दिस इज फॉर्मूला फॉर रेंज। किसके लिए फॉर्मूला आ गया? ये रेंज के लिए। अब जो रेंज के लिए फॉर्मूला आया है तो रेंज मैक्सिमम कब होगी? तो रेंज मैक्सिमम होगी जब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? दैट विल बी 1। अगर ये 1 है तो 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90। तो थीटा कितना होगा? 45। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्योरेटिकली 45 डिग्री के एंगल पे थ्रो करेंगे तो वो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। लेकिन जो जैसे एक स्पोर्ट होता है जिसमें हम क्या फेंकते हैं, स्फीयर, स्फीयर मतलब भाला, ठीक है। तो जो स्फीयर हम थ्रो कर रहे हैं उसको क्या हम 45 पे फेंकते हैं? नहीं, उसके लिए जो एंगल होता है वो होता है 37 डिग्री। कितना होता है? 37 डिग्री। तो 45 डिग्री पे तो हम थ्योरेटिकली फेंकते हैं, लेकिन अगर हमें किसी स्फीयर को थ्रो करना है तो वो स्फीयर जो है वो हमें किस पे फेंकना पड़ेगा? वो 37 डिग्री पे हम थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम रेंज वो कवर करता है। अच्छा, यहां पे अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें तो मैक्सिमम रेंज हो कितनी जाएगी? मैक्सिमम रेंज होगी यू स्क्वायर बाई जी। सो दिस विल बी मैक्सिमम रेंज। और कब होगी ये? होगी जब जब एंगल क्या होगा? 45 डिग्री। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री के एंगल पे थ्रो करेंगे तो वो थ्योरेटिकली मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। नोट करिए इसको।